हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है रोस्टेड पनीर काली मिर्च। ये खाने में जितना टेस्टी और क्रीमी है, इसकी रेसिपी भी उतना ही आसान है। इस रेसिपी को मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया है ताकि हमारी पनीर काली मिर्च काफी क्रीमी और टेस्टी बने और साथ ही साथ पनीर भी काफी सॉफ्ट बने। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए आज की रेसिपी को झटपट शुरू करते हैं। तो पहले हम एक पतीला में ले लेते हैं 2 बड़े चम्मच दही। दही में बिल्कुल भी पानी नहीं है, एकदम गाढ़ी दही लिया है मैंने इसमें। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच क्रीम चीज, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। साथ ही में डाल देते हैं 2 चम्मच फ्रेश क्रीम। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच रोस्टेड कसूरी मेथी और 1/2 चम्मच से थोड़ा ज्यादा ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च। ये रेसिपी पनीर काली मिर्च की है तो यहाँ पे काली मिर्च की इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा होगा। अब हम इसे अच्छे से बीट कर लेते हैं और एक स्मूथ मैरिनेशन बना लेते हैं ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे और इसकी टेक्सचर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, थिक, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। इसके बाद अब हम पनीर को इसमें मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर क्यूब्स लिया है। मैंने यहाँ पे पनीर क्यूब्स को थोड़ा सा बड़ा रखा है, आप चाहे तो छोटा पनीर क्यूब्स भी ले सकते हैं। तो पनीर को अब हम व्हाइट मैरिनेशन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और पनीर को कोट कर लेते हैं। तो इसीलिए हमारी व्हाइट मैरिनेशन थोड़ा थिक होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे पनीर व्हाइट मैरिनेशन में अच्छे से कोट हो गया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। तो कढ़ाई में अभी हम डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच तेल। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं 2 तेज पत्ता, 2 बड़े इलायची, 1 छोटा दालचीनी की टुकड़ा, 2 से 3 छोटे इलायची, 3 से 4 लौंग। अब हम इसे 10 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम में सौते कर लेते हैं। इसमें अभी हम डाल देते हैं प्याज। तो प्याज को यहाँ पे मैंने मोटी स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब इसमें डाल देते हैं 7 से 8 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च। अब हम इन सारी चीजों को 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में सौते कर लेते हैं जब तक कि प्याज की कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो ये देखिए, प्याज की कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 कप काजू। मैं यहाँ पे टुकड़ा काजू की इस्तेमाल कर रही हूँ, आप साबुत काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर से हम 3 मिनट के लिए इसे सौते कर लेते हैं। तो इसे मैंने 3 मिनट के लिए सौते कर लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप पानी ताकि हमारी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से बॉईल हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो इसे अब हम ढक देते हैं और 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कुक कर लेते हैं। तो 5 मिनट के बाद हम इसे खोल लेते हैं। तो यहाँ पे प्याज, काजू और जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाला है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और कुक हो गया है। फ्लेम को स्विच ऑफ कर देते हैं। अब हम इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसमें से खड़े गरम मसालों को निकाल देंगे। इसकी फ्लेवर ऑलरेडी आ गया है और इसे हमें इसके साथ नहीं पीसना है, नहीं तो इसकी टेस्ट कड़वा हो सकता है। पर हरे इलायची को हमें रिमूव नहीं करना है। इसी के साथ हम हरे इलायची को भी पेस्ट करेंगे क्योंकि पनीर काली मिर्च में हरी इलायची की फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक ब्लेंडर में ट्रांसफर कर लेते हैं। पर हमें यहाँ पे पानी के साथ नहीं डालना है, पानी को स्ट्रेन करके ही डालना है। तो बिना पानी के हमें इसे पेस्ट कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसे पेस्ट कर लिया है, एकदम स्मूथ व्हाइट पेस्ट बनके रेडी हो चुका है। कढ़ाई में अभी हम डाल देते हैं 1 बड़े चम्मच तेल और साथ ही में हम डाल देते हैं 2 छोटे चम्मच बटर। तो बटर को अब हम थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं हमारे मैरिनेट किया हुआ पनीर को। तो पनीर को अब हम रोस्ट कर लेते हैं, पर पनीर को हमें बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो पनीर एकदम हार्ड हो जाएगा। पनीर को हल्का सुनहरी कलर होने तक रोस्ट करेंगे ताकि पनीर दिखने में भी बढ़िया लगे, खाने में भी टेस्टी लगे और अंदर से एकदम सॉफ्ट और मुलायम रहे। तो पनीर को हम हर साइड से 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम में। तो आप देख सकते हैं हमारी पनीर में कितना बढ़िया कलर आया है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और पनीर बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, अंदर से एकदम सॉफ्ट और मुलायम है।
तो पनीर यहाँ पे रोस्ट हो चुका है, इससे ज़्यादा हम इसे रोस्ट नहीं करेंगे। फ्लेम को स्विच ऑफ कर देते हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। पनीर को निकालने के बाद उसी तेल में अब हम व्हाइट पेस्ट को डाल देते हैं। तो उसी ब्लेंडर में एक कप पानी डाल देंगे और उसी पानी को अब हम कढ़ाई में भी डाल देते हैं। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रेवी काफी थिक है, फिर से यहाँ पे 2 कप पानी ऐड कर देते हैं ग्रेवी को एडजस्ट करने के लिए, और डाल देते हैं बचा हुआ व्हाइट मैरिनेशन जिसमें हमने पनीर को मैरिनेट किया था। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में कुक कर लेते हैं। 2 मिनट कुक करने के बाद यहाँ पे ग्रेवी थोड़ा सा थिक हो गया है। अब हम इसे ढक देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेते हैं, जब तक ग्रेवी में से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। 4 मिनट के बाद अब हम इसे खोल लेते हैं। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी में से ऑयल सेपरेट हो गया है। तो एक बार हम इसे अच्छे से स्टेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे व्हाइट ग्रेवी अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच नमक मेरे टेस्ट के हिसाब से, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच चीनी टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मीडियम फ्लेम में। ग्रेवी को और थोड़ा रिच और क्रीमी बनाने के लिए यहाँ पे डाल देते हैं 2 चम्मच फ्रेश क्रीम। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको ज़्यादा रिच और क्रीमी नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे कुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी व्हाइट ग्रेवी बनके रेडी हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं हमारे रोस्टेड पनीर को, पर इस समय आप फ्लेम को एकदम लो पे रख दें, नहीं तो आपकी ग्रेवी कढ़ाई के नीचे लग सकता है। तो पनीर को अब हम ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ग्रेवी में अच्छे से कोट कर लेते हैं। पनीर को ग्रेवी में ज़्यादा कुक नहीं करना है, नहीं तो पनीर हार्ड हो जाएगा। बस 1 मिनट के लिए ही हमें पनीर को ग्रेवी में कुक करना है। 1 मिनट के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और कुछ चॉप किया हुआ धनिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बन गई है क्रीमी रोस्टेड पनीर काली मिर्च। तो फ्लेम को स्विच ऑफ कर देते हैं और इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो ये देखिए हमारी पनीर लग रहा है ना, बहुत ही क्रीमी। आप इसे पुलाव के साथ, नान पराठा के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह डिफरेंट तरीके से आप भी रोस्टेड पनीर काली मिर्च रेसिपी अपने घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसा लगा है। और इसकी ग्रेवी देखिए कितना थिक और क्रीमी है। ऊपर से अब हम थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और चॉप किया हुआ धनिया से इसे गार्निश कर देते हैं। अगर रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और ये देखिए पनीर कितनी सॉफ्ट और मुलायम बनी है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से जल्दी ही मिलती हूँ।